गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हमें नया चैप्टर सीखना है। वो नया चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर नंबर 7, सातवां चैप्टर है। और परम्यूटेशंस का डिस्कशन मैंने पहले भी कर दिया था जब मैं पढ़ा रहा था बायनोमियल थ्योरम, तो उसके अंदर मैंने कॉम्बिनेशंस का डिस्कशन कर दिया था कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है। लेकिन फिर से एक बार मैं कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो चैप्टर नंबर 7 है और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसका है नाम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस के जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पहले डिस्कशन कर दिया था, NC0 और NC1 के बराबर होता है, जो मैंने पहले डिस्कशन किया हुआ, फिर भी मैंने एक बार फिर से लिख देना अच्छा समझा। NC0 रहे या NCN रहे, दोनों का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल में याद करो कहां से चालू करते थे, 1 से चालू करते थे और n पर खत्म करते थे। तो यहां 1 से चालू करना है और यहां भी 1 पर खत्म करना है, तो दोनों NC0 और NCN दोनों का वैल्यू 1 के बराबर होता है। NC1 अगर NC1 रहेगा तो इसका क्या मतलब हुआ पता है, 8C0 तो इसका आंसर भी 1 आएगा, और 8C8 लिख दो तो भी इसका आंसर 1 ही आएगा, यानी सेम नंबर यहां पर है तो भी आंसर 1 आएगा, और यहाँ पर कोई भी नंबर है यहाँ पर 0 लिखा है तो इसका भी आंसर 1 ही होगा। जैसे 8C0 मैंने लिख दिया ना, तो इसका आंसर 1, और यहाँ पे 8 यहाँ आएगा NC1 यानी 8C1 रहेगा तो इसका आंसर आएगा 8, 8C1 इसका आंसर आएगा 8। ये मैंने ऑलरेडी ये सब डिस्कशन पहले भी मैंने किया हुआ ही है, लेकिन वापिस फिर से कर दे रहा हूँ। फैक्टोरियल जीरो का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल जीरो का मतलब 1 होता है। कोई भी नंबर फैक्टोरियल में अगर नेगेटिव नंबर के साथ है इसका मतलब उसे मीनिंगलेस पर टिक लगाना है, किसका कोई मतलब नहीं होता भाई, कोई लेना देना नहीं है, जीरो भी नहीं होता है और इसका वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होता। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 × 2 क्या आंसर आएगा 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 1 × 2 × 3 यानी क्या 6 के बराबर, फैक्टोरियल 4 यानी 1 × 2 × 3 × 4 24 के बराबर होगा, फैक्टोरियल 5 1 × 2 × 3 × 4 × 5 तो 120 के बराबर होगा, फैक्टोरियल 6 मेरे पास जगह कम था तो मैंने इसको कैसे लिख दिया शॉर्टकट में लिख दिया, फैक्टोरियल 6 को 6 को मैंने शॉर्टकट में कैसे लिख दिया, फैक्टोरियल 5 × 6 यानी कि 120 × 6 यानी 720, फैक्टोरियल 7 अभी फिर से शॉर्टकट लिख दिया फैक्टोरियल 6 × 7 या फिर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है 720 × 7, तो 720 × 7 करोगे तो 5040 यानी 5040, 50-50 से थोड़ा सा कम यानी कि 50-40। ये भी प्रॉपर्टी डिस्कशन कर दिया था मैंने कुछ लेक्चर में, NCX अगर NCY के बराबर है तो देन x प्लस y जो होता है उस n के बराबर होता है, या फिर x y दोनों बराबर ही होगा। NCR NCN माइनस R के बराबर है, इसका डिस्कशन क्या था, समझो 18C2 है तो 18C 16 के बराबर होगा, ये सब डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ ही है। कोई भी डिस्कशन 8C2 है 8C2 8C6 के बराबर होगा, ये भी डिस्कशन पिछले लेक्चर में क्या था NCR प्लस NCR प्लस 1, तो उसमें से ऊपर दोनों सेम हो नीचे छोटा बड़ा नंबर हो, ऊपर एक बढ़ा देना है और नीचे बड़े वाला कॉपी कर देना, जैसे 11C2 और 11C3 तो क्या आंसर लिखेंगे 12C3। ये भी मैंने लास्ट बायनोमियल थ्योरम के लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर दिया था, वापस फिर से लिख दिया। NC1 जो होता है NCN-1 के बराबर हो, ये दोनों सेम ही है तो मैंने ये सब डिस्कशन पहले भी कर दिया था और अभी भी वापस फिर से एक बार प्रॉपर्टी के साथ मैंने कर दिया है। और भी डिस्कशन कुछ करेंगे थोड़ा बहुत और आगे करेंगे, तब तक मैं इसको रद्द कर देता हूँ, ये ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन मेन काम इसका नाम चैप्टर का नाम है कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन ये सब है, तो इस सब की बातें भी थोड़ी सी करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने इसको भी वापस फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रॉपर्टीज को भी वापस से डिस्कशन कर दिया। जान करके प्रॉपर्टीज का यूज करना आपको बढ़िया से आना चाहिए, एप्लीकेशन, नॉलेज इज नॉट पावर हाउ टू अप्लाई योर नॉलेज इज पावर। तो प्रॉपर्टीज आपको पता है कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर्टीज कहां पे हम यूज करते हो ये मायने रखेगा। क्या बोला, नॉलेज इज नॉट पावर, कितना भी नॉलेज है पावर नहीं, वो आपके लिए ताकत नहीं है,
ताकत क्या है, हाउ टू यूज योर नॉलेज इज पावर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपको सिखा दिया, लेकिन प्रॉपर्टी यूज करना आना चाहिए तो आपके लिए काम आएगा। अब मैंने फिर भी डिस्कशन पहले डिस्कशन किया था कि कॉम्बिनेशन का और भी तरीका, कॉम्बिनेशन का क्या काम है, क्या है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन का प्रोसेस है बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी रूल रेगुलेशन के। कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन का एक प्रोसेस है पर्टिकुलर लोगों में से बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी रूल के। जैसे कि मान लो कि एन लोग है किसी भीड़ में, एन पर्सन है, डॉट 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 एन लोग है इसके अंदर, एन पर्सन है इसके अंदर, और उसमें से आर लोगों को, आर पर्सन को, आर पर्सन पर्सन टू बी सेलेक्टेड, टू बी सेलेक्टेड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, लिखते हैं एन सी आर लिख सकते हैं, यानी टोटल एन लोग है सब मिला करके, उसमें से आर लोगों को बुलाया जाएगा। मान लो कि हमारा कोई फंक्शन ही है, हमारे एन दोस्त हैं, उसमें से आर दोस्तों को ही मैं इनवाइट कर रहा हूं, तो इसका इसको तरीका क्या है, एनसीआर हो जाएगा। एनसीआर आर क्या है, जितने लोग आप सिलेक्ट कर रहे हो, एन क्या है थोड़े जितने लोग हैं। समझ में आ गया, ये सब होता है। कभी कभी देखोगे, मैं देखता हूँ गांधीनगर में जाओ अगर, तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर, तो मैंने यही देखा है कभी एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर, तो एन लोग जमा हो जाते हैं देखने के लिए, उसको सेल्फी लेने के लिए। उसका बेचारा एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत परेशान है, परेशान है, हाथ पैर पटक रहा है, बहुत दुखी है, खून खून हो रखा है, लेकिन और वहां पर उसको एक्सीडेंट देखने के लिए एन लोग आ जाते हैं, और उसमें से मात्र आर लोग ऐसे होते हैं, आर लोग ऐसे होते हैं यानी कुछ लोग जो उसको रियल में हेल्प करने के लिए वहां रुकते हैं, अदरवाइज बाकी लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, बेचारा छत्तरा पड़ा है। यहाँ तक इतना बुरा हालत है कि कभी कभी उसमें मीडिया वाला भी आएगा, पूछेगा बोलिए आपको दर्द हो रही है, आप क्या परेशान है, क्या आपको चोट लगी है, क्या खून या ओरिजिनल बह रहा है, आपका कौन सा ग्रुप है, ऐसे पूछता है, बट मदद करने नहीं आता है। वही हो गया, एन लोग हैं उसमें से आर लोग सब उसको हम मदद कर रहे हैं। आर क्या है, पर्टिकुलर पर्सन, उस भीड़ का एक हिस्सा, उस भीड़ का एक हिस्सा, ठीक है कि नहीं। और टोटल एन का मतलब टोटल लोग, तो वो हो गया सी आर, यानी कि उसको कितने लोग सेलेक्ट करो, कितना लोग आप में इंटरेस्टेड है, ये हो गया समझ लो। आर क्या है, नंबर ऑफ पर्सन टू बी सेलेक्टेड। जैसे कि हम मैंने समझाया था, जैसे 10C3 है, तो मैंने इसका तरीका बताया था, फैक्टोरियल 10 ये लिख देना है, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 10-3 ऐसा भी बताया था मैंने वापस, चूंकि शब्द का नाम कॉम्बिनेशन है ये भी बताना पड़ेगा। तो ये हो गया फैक्टोरियल 10, ये हो गया फैक्टोरियल 3, ये हो गया फैक्टोरियल 7। अब मैंने बोला था बिगर ब्रेक, यहाँ से ये बड़ा है, इस तीनों में से ये सबसे बड़ा है, इसको तब तक तोड़ते जाओ जब तक कि नीचे से मैच ना हो जाए, कोई नीचे से मैच ना हो जाए, तब तक तोड़ते जाओ। कैसे तोड़ोगे, 10 एक और कम, 9 एक और कम, 8 एक और कम, 7। जैसे 7 पहुंचते तो ऑलरेडी एक मैच हो जाता है, इससे सबसे पहला जो मैच हुआ वहीं रुक जाना है। कैंसल कैंसल, फैक्टोरियल 3 को पता है मैंने क्या लिखा था, 1 × 2 × 3। अब कैंसल करो तो 2 5 जा और 3 3 जा, इसका आंसर क्या आएगा, 5 × 15 × 8 यानी 120 इसका आंसर होगा। ये क्या था, 10C3, ये 10C3 था। अभी इसका आंसर 120 आया, ये हो गया मेथड 1, ये क्या हो गया मेथड 1। या एक और मेथड है, थोड़ा फास्ट मेथड है, फास्ट मेथड है सॉल्व करने का 10C3। क्या करना है आपको, ये देख लेना 10 है और 3 है, यानी 10 को 3 कदम पीछे ले जाना है, 10 को पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, और यहाँ पे 3 से 3 ले देना, 1.2.3, अगर 4 होता तो 4 लिखते। अब इसको भी कैंसिल करो, सेम आ गया ना, 5 जा और 3 जा, 15 × 8 बराबर 120। तो आपको देखोगे दो मेथड है, ये मेथड 1 फास्ट मेथड 2, ये मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 1 है, ये फॉर्मूला लगा के कर दिया, ये ट्रिक लगा के कर दिया। तो ये दोनों मेथड ऑलरेडी सिखाया हुआ ही है, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ऐसी बात नहीं करेंगे नहीं सिखाया, पर वापिस डिस्कशन कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। कोई बच्चा अगर पहली बार अगर कॉम्बिनेशन का नाम सुन रहा है, तो पहली बार अगर सॉल्व करेगा तो भी उसे समझ में बातें आएगी। फॉर्मूला डिस्कशन करेगा, एनसीआर को फॉर्मूला यूज करें, किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है, किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है, किसी बुक में ऐसे ऐसे और ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना।
ऐसे लिखा जाता है, अगर इसी को फॉर्मूला फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सब एक ही तरीका है, देख लो इसको ध्यान से देख लो। यहाँ पर एन क्या क्या टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो अलग अलग इस तरीके से अलग अलग बुक में मैंने पढ़ाई किया, एक और पढ़ाई किया इसी को लिखा था बुक में, किसी बुक में फैक्टोरियल एन ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, किसी किसी बुक में फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, कोई बुक देखोगे किसी बुक में फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखा हुआ है। ये जो उल्टा एक्सक्लेमेशन साइन है वो फैक्टोरियल का साइन है, इसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था, पहले डिस्कशन किया हुआ है, अगर मैं मिटा करके वापस डिस्कशन कर दूं। फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होगा, एन वन से लेकर के एन तक मल्टीप्लाई करो सारे नंबर को, और वो एक रिजल्ट जो होगा, और उतना लंबा कोई लिख नहीं पाएगा, उसको किसी ने नाम रख दिया भैया इसको फैक्टोरियल बोल दो, और कोई बात नहीं है। फिर से मैं फैक्टोरियल एन के बारे में लिख देता हूं। मैं फैक्टोरियल के बारे में भी मैंने बाइनोमियल थ्योरम के पहले लेक्चर में जैसे कुछ डिस्कशन किया हुआ है, वापिस आज भी कर देता हूं, और मैं एक एक्सरसाइज भी फास्ट फास्ट सॉल्व कर दूंगा तेजी के साथ। देखो यहां पर फैक्टोरियल एन को किसी बुक में फैक्टोरियल एन ऐसे भी लिखा रहता है किसी बुक में, इसका मतलब क्या है, एन उसमें से एक और कम, उसमें से एक और कम, उसमें से एक और कम, और कम होते 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 सबको मल्टीप्लाई, चार इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन फैक्टोरियल एन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल फाइव लिखना है तो आप लिख सकते हो फाइव इंटू फोर का भी फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री का फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल सेवन है आप क्या लिख सकते हो, इसको सेवन इंटू सिक्स का फैक्टोरियल चलेगा, इसको लिख सकते हो सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव का फैक्टोरियल चलेगा, सबका आंसर सेम आएगा, फाइव जीरो फोर जीरो ही आएगा, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये सब फैक्टोरियल सेवन के ही बराबर है, और सबका आंसर क्या रिजल्ट आएगा, तो फाइव जीरो फोर जीरो ही आएगा, करके देखना, इसको लिखते हैं सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री का फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू का फैक्टोरियल, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, वन क्या फैक्टोरियल लिखूंगा, वन का वन ही होगा ना, इसीलिए इस तरह से किसी भी नंबर को इसी तरह से लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, सबका आंसर फाइव जीरो फोर होगा, 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 और इसका भी आंसर फाइव जीरो फोर होगा। तो कहने का मतलब है किसी भी फैक्टोरियल को इतने अलग अलग तरीके से, एक तरीका दो तरीका तीन चार पाँच छः, छः तरीके से हम लिख सकते हैं, एक तो ये खुद है ही, तो इस तरह से हम सात तरीके से लिख सकते हैं, ये भी डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। फैक्टोरियल एन का मतलब हो गया वो नंबर से लेकर के हम उस नंबर से लेकर के तब तक मल्टीप्लाई करते चले जाए, करते चले जाएंगे जब तक वन ना पहुंच जाए। जैसे फैक्टोरियल फाइव को और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, अब इसकी जगह नहीं जा सकते, यहीं पर स्टॉप मारना पड़ता है। अब इन सब का आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर 120 आएगा, इन सब का आंसर 120 ही आएगा। तो ये हो गया फैक्टोरियल, ये साइन किसका है, उल्टा एक्सक्लेमेशन साइन जो है, ये साइन क्या है, फैक्टोरियल का साइन, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, मैंने पढ़ा है इसीलिए बता रहा हूँ, या फिर तो इसका मतलब है ही। तो फैक्टोरियल का डिस्कशन हो गया, और यहाँ फैक्टोरियल हेल्प करता है हमें, किसमें हेल्प करता है, तो सिलेक्शन जो हम करते हैं तो उसको सॉल्यूशन करने में, सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, किसी चीज को कितने लोगों में से कितने लोग सिलेक्ट कर रहे हो, बिना किसी ऑर्डर के साथ, बिना किसी रूल रेगुलेशन के साथ उसको सिलेक्ट कर लोगे, तो सिलेक्शन करने के प्रोसेस को ही कॉम्बिनेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 मत करना, 7.2 करना, फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 नहीं करना है, बल्कि 7.2 करोगे तो तुमको पता चलेगा। जैसे पूछा हुआ कि पहला पूछा इवेल्युएट फैक्टोरियल 8 कितना होगा, फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या हो सकता है, 8 इंटू फैक्टोरियल 7 यानी कि 8 इंटू 5040 मल्टीप्लाई करोगे 0 8 4 32 8 40 आ गया आंसर। इससे पूछेगा क्या, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इवेल्युएट फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या आ जाएगा 6, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, तो क्या होगा 4 आंसर। तीसरा क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है 6,
कैसे सिक्स होगा? तो इसको एक्चुअली में क्या वन इंटू टू इंटू थ्री हो गया सिक्स प्लस एक्चुअली फोर का मतलब क्या आ जाएगा चौबीस। कैसे आया भैया चौबीस? चार इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ये चौबीस हो गया। इसको ऐड करोगे तो आंसर थर्टी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हो सकता है आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। फैक्टोरियल एट अपॉन में फैक्टोरियल सेवन इसका क्या आंसर आएगा? फैक्टोरियल एट को चालू कर एट इंटू तब तक चलते रहो जब तक नीचे से मैच ना हो जाए। फैक्टोरियल सेवन से मैच हो जाता है फैक्टोरियल सेवन तो कट जाएगा तो इसका आंसर एट ही आएगा। आपसे पूछ सकता है एन सी फोर का वैल्यू बताओ बोलो। तो क्या करना है आपको यहाँ से टेन लिख करके चार कदम ले जाना, एक कदम दूसरा कदम तीसरा कदम और चौथा कदम और ये चार वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर। तो यहाँ से फोर टू जार एट एट कर दिया थ्री थ्री जार नाइन कर दिया टेन इंटू थ्री इंटू सेवन कितना हो गया तीस दो सौ दस। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 140 के ऊपर क्वेश्चन है उसको आप इस तरह से आसानी से फास्ट फास्ट सॉल्व कर सकते हो। आपको वहाँ मजा आएगा काफी करने में सॉल्व करने में मजा आएगा। निकाल देता हूँ फिर फैक्टोरियल का वैल्यू पुट करते जाना है। तो पहले चालू करना एक्सरसाइज 140 सॉरी पेज 140 और पेज 141 के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस है आप तुरंत सॉल्व कर लेना, लेक्चर खत्म होते ही सॉल्व कर लेना तो आपको फायदा रहेगा क्योंकि धीरे धीरे ये सॉल्व करना आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी बिगर डिजिट को सॉल्व करने में। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं सपोज करो कि पूछ देगा आपको कंप्यूट करो यानी कि वैल्यू पता करो जैसे फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल थ्री अपर फैक्टोरियल फोर का क्या वैल्यू होगा कंप्यूट करो कंप्यूट यानी पता लगाओ आंसर वैल्यू बताओ। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल एट को एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव तब तक रुको रुको मत जब तक मैच ना आ जाए। फैक्टोरियल फोर मैच हो गया चार का पता ये फैक्टोरियल लगा दो फैक्टोरियल फोर और ये थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा सिक्स फैक्टोरियल थ्री का मतलब सिक्स मैंने बताया हुआ। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करो 56 इंटू 30 इंटू सिक्स 56 इंटू 180 अब इसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का कुछ भी पूछ सकता है आपको। एक तो पूछेगा क्या फैक्टोरियल एन इवेल्युएट करो फैक्टोरियल एन अपर फैक्टोरियल एन माइनस आर इसको इवेल्युएट करो और लिखा हुआ है गिवन है गिवन एन का वैल्यू कितना है 10 है और आर का वैल्यू 5 है या कुछ भी मान लो कि 3 है इसको इवेल्युएट करो और एन का वैल्यू गिवन है आर का वैल्यू गिवन है तो सॉल्यूशन करोगे क्या लिखोगे एन की जगह फैक्टोरियल 10 लिख दोगे क्योंकि एन की जगह 10 है एन माइनस आर यानी कि 10 माइनस 3 आर का वैल्यू 3 है ना यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल 7 अपॉन 10 फैक्टोरियल 7 अब इसको तोड़ो तब तक तोड़ दे रहा है जब तक इनके मैच ना हो जाए 10 नहीं मैच हुआ 9 नहीं मैच हुआ 8 नहीं मैच फैक्टोरियल 7 मैच हो गया फैक्टोरियल 7 काट दो 872 इंटू 720 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन है कौन सा पेज चालू करना है आपको 140 पेज एनसीईआरटी का 140 पेज और 141 पेज ये दोनों पेज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करके बताना है अपने आप को रिचेक करना है कि क्या मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये समझ में आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं यहाँ पे परमुटेशंस की बातें आज नहीं किया सिर्फ कॉम्बिनेशंस की बातें कर रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो खत्म हो जाए। तो मैंने परमुटेशंस का लिख दिया पी लिख दिया है पी का मतलब परमुटेशंस इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं ऐसी बात नहीं करूंगा लेकिन पहले अभी कॉम्बिनेशन को निपटा लिया जाए सॉल्व कर ले कॉम्बिनेशन को। अभी एक सवाल बड़ा अच्छा है बच्चे फंस जाते हैं कि लिखा रहेगा फाइंड एक्स ये मस्त सवाल है फाइंड एक्स इफ ये अच्छा सवाल है बच्चे कि 1 अपॉन में 8 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 9 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन में 10 का फैक्टोरियल तो x का पता करिए। अब ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसका टेक्निक बताता हूं इसमें 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 तो सबसे छोटा कौन है ये बंदा सबसे छोटा है तो इसको क्या करना है सबका साथ सबका विकास सबको इस तरह से ला देना है इंप्लाई साइन 1 अपॉन 8 का फैक्टोरियल डालने दो इसको लिखो 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल इससे मैच हो गया इसको सबसे इसके बराबर सबको कर देना है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल तब तक अब यहाँ 8 का फैक्टोरियल यहाँ 8 का फैक्टोरियल यहाँ 8 का फैक्टोरियल मैच हो गया तो कॉमन ले लो
वन अपन एट का फैक्टोरियल कॉमन ले लोगे क्या बच गया पूरा वन, यहाँ बचेगा वन बाई नाइन, यहाँ बचेगा एक्स अपन में टेन इंटू नाइन इंटू एट का फैक्टोरियल कॉमन हो कट कॉमन हो कट। अभी क्या बच गया नाइन बचा नाइन प्लस वन तो टेन अपन में नाइन बराबर हो गया एक्स अपन में टेन इंटू नाइन, थ्री नाइन से नाइन कट जाएगा हंड्रेड इक्वल्स टू एक्स, इसका आंसर आ जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या है यहाँ पूछे ऐसा पसंद है आठ और दस, तो यहाँ पे जो भी इसका स्क्वायर कर दो सीधा आंसर मिल जाएगा। अगर इसमें समझ में नहीं आया है तो कोई नहीं एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ वहां उसको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। इस तरह का क्वेश्चन एक और लेकर बताता हूँ इसमें क्या करना है सबका साथ और सबका विकास, तो सबको बराबर बराबर जैसा बना दो, सबसे छोटा जो है उसके जैसा सब दिखना चाहिए, जो सबसे छोटा है उसके जैसा दिखना चाहिए सब, जैसे कि लिखा हुआ है वन अपॉन में सिक्स का फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन में सेवन का फैक्टोरियल है एक्स अपॉन में एट का फैक्टोरियल, आंसर पता चल गया इसका स्क्वायर करो एट का स्क्वायर इसका आंसर 64 होगा, ये तो डायरेक्ट पता चल गया। लेकिन अगर सॉल्व करें तो सबसे छोटा ये है तो ऐसा ही सबको बनाना है वन अपॉन में सिक्स का फैक्टोरियल वन अपॉन में सेवन इंटू सिक्स का फैक्टोरियल एक्स अपॉन में एट इंटू सेवन इंटू सिक्स का फैक्टोरियल, तो सिक्स का फैक्टोरियल सिक्स का फैक्टोरियल सिक्स का फैक्टोरियल कॉमन हो कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास वन प्लस वन बाई सेवन एक्स अपॉन में एट इंटू सेवन, सेवन बन जाए सेवन प्लस वन एट, एट अपॉन में सेवन बराबर एक्स अपॉन में एट इंटू सेवन, सेवन सेवन कट जाएगा तो एट का स्क्वायर बराबर एक्स, इसलिए एक्स का वैल्यू आ जाएगा सीधा सीधा 64। चलो अगर आप सीख गए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सीख लिया होगा, तो आपको इस घर पे काम करना फाइंड एक्स वन अपॉन में थ्री का फैक्टोरियल वन अपॉन में फोर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू एक्स अपॉन में फाइव का फैक्टोरियल, इसमें एक्स का पता करना आपको वन अपॉन में टेन का फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन में इलेवन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू एक्स अपॉन में ट्वेल्व का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना और घर पे आप एक लाइन से सीरीज बनाना, घर पे होमवर्क दे रहा हूँ, एक और होमवर्क दे रहा हूँ आपको, घर पे आपको क्या पता करना है इवेल्युएट सबको पता करना है फैक्टोरियल जीरो क्या होगा फैक्टोरियल वन क्या होगा फैक्टोरियल टू क्या होगा फैक्टोरियल थ्री क्या होगा फैक्टोरियल फोर क्या होगा फैक्टोरियल फाइव क्या होगा फैक्टोरियल सिक्स क्या होगा फैक्टोरियल सेवन क्या होगा फैक्टोरियल एट क्या होगा फैक्टोरियल नाइन क्या होगा और फैक्टोरियल टेन क्या होगा, इन सब का वैल्यू पता करना, घर पे आपको ये काम दे रहा हूँ अब इसको सॉल्व कर लेना है ठीक है कि नहीं। इसके साथ ही कम्बिनेशन डिस्कशन मैंने कर दिया, कम्बिनेशन जो है डिस्कशन बाकी रह गया, तो इन सब की बात धीरे धीरे जहाँ जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पे करेंगे समाप्त, आप जरूर करना 140 पेज के ऊपर 141 पेज के ऊपर जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना। बाय बाय शिव टाटा।